नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे दाद, खाद, खुजली, जिसे एक्जाइमा और सोराइसिस भी कहा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, मगर कई बार ना चाहते हुए भी व्यक्ति स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की चपेट में आ ही जाता है। उन्हीं में से एक है दाद, खाद, खुजली, जिसे एक्जिमा या सोराइसिस भी बोला जाता है। यह एक चरम रोग है जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। यह रोग सर्दियों में ज़्यादा होता है। इस रोग को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। यह रोग अधिकतर हाथ, गले, कमर, चेहरे, पैर और शरीर के गुप्त अंगों के आसपास ज़्यादा होता है। स्किन प्रॉब्लम्स एक बार हो जाए तो जल्दी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कई बार इन प्रॉब्लम्स में लंबे समय से ली जा रही दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रोग के होने वाले कारणों की, कुछ प्रिकॉशंस के और कुछ घरेलू उपायों की, जिनको करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद कोई मैजिक नहीं है दोस्तों। इसका इलाज लंबा और स्लो होता है, परंतु यह रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है। एलोपैथी तुरंत असर करती है, परंतु लॉन्ग टाइम में उन दवाइयों का असर हमारी बॉडी पर बहुत हार्मफुल रहता है और रोग दोबारा भी हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू नुस्खों की जानकारी दी जाए और आप उनका प्रयोग करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा साथ हमेशा बना रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। दाद, खाद, खुजली होने की पहली वजह है शरीर की ढंग से सफाई ना होना। जिन जगहों पर पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ ये बीमारी अधिक तेज़ी से फैलती है। गीले कपड़े पहने रहने से, शरीर की ढंग से सफाई ना रहने से, अंडरगारमेंट्स के ना बदलने से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर वाली जगहों पर ज़्यादा रहने से, या जहाँ सीलन ज़्यादा हो, दीवारों पर, छतों पर, वहाँ ये फंगस के कीटाणु बहुत तेज़ी से फैलते हैं और हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग अपनी बॉडी पर करने से भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का पेट में जाने से भी इस प्रॉब्लम का अटैक होता है। जो लोग सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। गलत खानपान हमारी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाता और हमारे शरीर में भरी गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाने के कारण भी हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियों का जन्म होता है, जिनमें से एक स्किन प्रॉब्लम भी है। शरीर में जमा गंदगी बढ़ते हुए ब्लड, मसल्स, प्लाज्मा, टिश्यूज सब में भरती जाती है। उस स्थिति में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा अटैक करता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी इस प्रॉब्लम में अहम भूमिका अदा करती है। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। चिंता, दुख, तनाव तो ऐसे लुटेरे हैं जो हमारे शरीर में से सब कुछ लूट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ रीजंस इन्फेक्शन होने के। अब हम कुछ घरेलू उपायों की बात करेंगे, जिससे आप दाद, खाज, खुजली या और भी किसी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा उपायों की बात ना करते हुए हम दो या तीन असरदार उपायों के बारे में ही बात करेंगे। कुछ इंटरनल उपाय हैं और कुछ जो आप बाहर से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी उपाय को अगर आप शुरू करते हैं तो उसे लंबे समय तक लगातार करिए। बीच में बंद कर देने से उसका असर ख़त्म हो जाता है। पहला उपाय हम नीम के पत्तों से करेंगे। नीम के पत्ते खाज खुजली में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नीम के पत्तों को धोकर साफ कर लीजिए, सरसों का तेल मिलाकर उसे मिक्सी में पीस लीजिए और एक चटनी की तरह पेस्ट बना लीजिए। इस लेप में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। उसके बाद रोजाना दाद वाले स्थान पर इस लेप को लगाकर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसे धो लीजिए। धोने के बाद साफ टॉवल से उसे ड्राई कर लें और एंटीबैक्टीरियल पाउडर लगा लें। लगातार प्रयोग करें इस नुस्खे को। जब तक दाद, खाज, खुजली जड़ से समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक प्रयोग करना है। अगर शुरुआती स्टेज पर ही इस नुस्खे का प्रयोग कर लिया जाए तो ये इतना असरदार नुस्खा है कि उसे 3-4 बार में ही ख़त्म कर देता है। सेकंड उपाय में हम प्रयोग करेंगे गेंदे के फूलों का। गेंदे के फूलों के बारे में सबने सुना होगा, सब जानते होंगे, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गेंदे के फूल दाद, खाज, खुजली जैसी बीमारी को भी जड़ से समाप्त कर देता है। क्योंकि गेंदे के फूल में कई सारे एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक गुण होते हैं, जो दाद, खाज जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देता है।
इसके लिए गेंदे के फूल की पत्तियां ले, उन्हें पीसकर चटनी बना ले। अब उस स्थान पर लगाएं जहां दाद है और उसे सूखने दे। सूखने के बाद उसे धो लें और साफ टॉवल से उसे ड्राई कर लें। उस जगह पर एंटीबैक्टीरियल पाउडर लगाएं और उसे छोड़ दें। लगातार इस्तेमाल करते रहने से ये समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा उपाय हमारा एक तेल है, इसे बनाएं और प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। नीम का तेल लेना है इसके लिए 100 ग्राम नीम का तेल, 100 ग्राम हल्दी का रस लीजिए, ताजी हल्दी का रस लीजिए, और 100 ग्राम ही एलोवेरा जूस लीजिए, फ्रेश एलोवेरा जूस लीजिए। तांबे या पीतल के बर्तन में तीनों चीज़ों को डालिए और धीमी आंच पर जब तक पकाएं जब तक कि हल्दी और एलोवेरा जूस जल नहीं जाते। जब सिर्फ तेल रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसमें 50 ग्राम भीमसैनी कपूर डालिए। भीमसैनी कपूर ही लेना है, पूजा वाला कपूर नहीं लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर बोतल में भरकर रख दीजिए। अगर आपके पास ताजी हल्दी नहीं है तो आप सूखी हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इस तेल को जहाँ पर खाज खुजली है उस स्थान पर हल्के हाथों से लगाइए और छोड़ दीजिए। दिन में 2 बार लगाइए। लगातार इस तेल के इस्तेमाल से ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे उपाय बाहर से स्किन पर प्रयोग करने के लिए, परंतु अगर आप अपनी बॉडी का अंदर से इलाज नहीं करेंगे तो ये उपाय भी कारगर साबित नहीं होंगे। किसी भी रोग का इलाज 2 तरह से होता है, एक तो बाहर से और एक दूसरा अंदर से। अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप इस जूस को अपने रूटीन में शामिल करें। एक तो ये आपके बॉडी को, आपके ब्लड के वेसल्स को और टिश्यूज़ को डिटॉक्स करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इसके लिए आप बाज़ार से गिलोय के रस की बोतल ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच गिलोय का रस लेना है। 1 गिलास में गेहूं का जवारा यानी व्हीट ग्रास, अगर इसका आपको जूस मिल जाए तो बेस्ट है, वरना आप पाउडर ले लीजिए। एलोवेरा जूस जिसे आप फ्रेश यूज़ करें तो बेस्ट है, वरना आप मार्केट से ले आइए, परंतु पल्प वाला एलोवेरा जूस लीजिएगा। और चौथी चीज़ है हल्दी। अगर ताजी हल्दी हो तो कद्दूकस करके उसका रस प्रयोग करें, वरना आप सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। अब हम इसके लिए जूस तैयार करेंगे। 2 से 3 चम्मच गिलोय का रस, व्हीट ग्रास अगर जूस है तो 2 से 3 चम्मच, और अगर पाउडर है तो 1 चम्मच। एलोवेरा जूस 2 से 3 चम्मच और ताजी हल्दी का रस 1 चम्मच, और अगर सूखी है तो 1/4 चम्मच। चारों चीज़ों को 1 गिलास पानी में डालकर मिक्स कर लीजिए। अगर व्हीट ग्रास पाउडर लिया है तो 10 मिनट के लिए इस जूस को मिक्स करके ढककर छोड़ दीजिए ताकि पाउडर अच्छे से अपना रस छोड़ दे। खाली पेट रोजाना इस जूस का प्रयोग करें, 1/2 घंटे बाद ही कुछ खाएं या पिए। ये जूस जिन्हें स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी ले सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा आप रामदेव की एक औषधि दिव्य कायाकल्प वटी का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालने में मददगार साबित होती है और आपके खून की सफाई करती है। अगर आपको पिंपल्स या दाग धब्बों की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। हर रोग का इलाज करने के लिए परहेज बहुत ही जरूरी होता है। इलाज और परहेज जब साथ साथ चलते हैं तभी बीमारी ठीक होती है। बाहर का खाना, फास्ट फूड और नॉनवेज अवॉइड करें। जिन्हें भी स्किन प्रॉब्लम है उन्हें नमक और मीठे का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्च मसालेदार खाना अवॉइड करें। थोड़ा पेशेंस रखें। 2 दिन में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता, और लगातार औषधियों का प्रयोग करें। स्ट्रेस से दूर रहें। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और प्रॉपर इलाज करवाएं। उस एरिया को क्लीन रखें, ड्राई रखें और सेल्फ केयर रखें। एंटी फंगल पाउडर का दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल जरूर करें। जिनको भी फंगल इन्फेक्शन है उन्हें एंटीबायोटिक का सेवन फालतू में नहीं करना चाहिए। जितना आप फालतू के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे आपकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया कम होते जाएंगे और आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।